नमस्कार, मैं बलराज सिंह आप सबका स्वागत करता हूं स्किल इंडिया मार्ट पर। दोस्तों, 1 जनवरी 2021 यानी कि नए साल का पहला दिन, जिस दिन मैं आप सबके सामने अपनी आज की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का दिन बहुत खास है दोस्तों, आपके लिए भी हमारे लिए भी। नया साल है इसलिए नहीं, इसलिए कि हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के साथ पिछले साल में बहुत सारी नाकामियों के दौर से गुजरे हैं। बहुत सारी हताशाएं जो हमने झेली हैं, काम ना मिलना या फिर किसी का काम छूट जाना, बहुत सारे हर्डल्स आए हैं। स्किल इंडिया इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए ट्रेनिंग पार्टनर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है, और जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। क्योंकि नया साल आ गया है तो सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं इस साल के लिए। इस साल में आप सब बहुत अच्छा काम हासिल करेंगे स्किल इंडिया इकोसिस्टम की तरफ से। भारत सरकार की जितने भी नए इनिशिएटिव हैं स्किल इंडिया के लिए, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्किल प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि स्किल इंडिया इकोसिस्टम के साथ साथ स्किल इंडिया मार्ट के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किल इंडिया मार्ट का हर एक सब्सक्राइबर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे और समझे जो मैं कहने जा रहा हूं उसको। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्किल इंडिया की जर्नी के बारे में, स्किल इंडिया मार्ट की जर्नी के बारे में, और आप सबकी जर्नी के बारे में, जो आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है, काम किया है, जो हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उस सब की चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही क्या हमने आपको दिया है स्किल इंडिया मार्ट के यूट्यूब चैनल पर, क्या हम आपको देने वाले हैं स्किल इंडिया मार्ट के यूट्यूब चैनल पर, कितने आरपी लॉन्च हुए हैं, कितने आरपी लॉन्च होने वाले हैं, क्या है स्किल इंडिया मार्ट की योजनाएं आपके लिए, इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो नए साल पर पहले दिन पर मैं ये वीडियो आपको समर्पित करता हूं, स्किल इंडिया मार्ट के पूरे परिवार को समर्पित करता हूं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, इसके पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है MRSD इंफोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत, जैसा मैंने आपसे कहा है, 2020 में ही हुई थी। हम लोगों ने इस कंपनी को क्यों बनाया था, बेसिकली ये एक कंसल्टेंसी के तौर पर बनी थी दोस्तों, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव था, हमारा जो ड्रीम था, वो था AB यानी कि असेसमेंट बॉडी बनकर काम करने का। स्किल इंडिया मार्ट का कंसेप्ट हमारे मन में तब आया जब हमें ये महसूस हुआ कि स्किल इंडिया में जुड़ने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पे उस जानकारी को सही से समझ नहीं पा रहा है जो उसके लिए जरूरी है। बहुत सारी स्कीम्स आई और चली गई, बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको मालूम पड़ी ही नहीं जिनको आपको जाना चाहिए था। ये जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए, हर उस स्कीम के बारे में बताने के लिए जो स्किल इंडिया इकोसिस्टम में थोड़ा सा भी महत्व रखती है, स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई दोस्तों। MRSD इंफोटेक की एक ऐसी यूनिट स्किल इंडिया मार्ट यूट्यूब चैनल के रूप में उभरी, जिसके आज 4000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं इस जर्नी को यहां तक पहुंचाने के लिए दोस्तों। एक छोटे से गांव से, हरियाणा के एक छोटे से गांव से हम लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, इस प्लेटफॉर्म को यहां तक लेकर आए हैं कि पूरा देश हमें देख रहा है। केरला, कश्मीर, कन्याकुमारी, UP, राजस्थान, पंजाब, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें जानने वाला कोई ना कोई हमारा साथी बैठा है, जिसको हमारी जानकारी से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है और बहुत ही काम आने वाली चीजें हम बताते हैं उसके लिए, ऐसा उनके कमेंट्स हमें बताते हैं दोस्तों। स्किल इंडिया मार्ट की जर्नी में सबसे बड़ी कड़ी रहे हैं आप लोग। पहले सब्सक्राइबर से लेकर 4000वें सब्सक्राइबर तक मैं सबको धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों। इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे हम, हर उस फील्ड में आपको पहुंचाएंगे, हर उस फील्ड में आपको पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल की फील्ड हो। आगे बात करते हैं स्किल इंडिया मार्ट की जर्नी के बारे में, हमने कितना काम आप सबके सामने किया है, कितना काम हम करने वाले हैं, कौन कौन सी वीडियो हमारी आ चुकी है और कौन कौन सी आने वाली है।
जैसा कि आप जानते हैं 2014 में PMKY स्कीम जब आई थी तो स्किल इंडिया में एक नया आगाज था, एक नए इकोसिस्टम का, एक नई शुरुआत थी, एक नई तरह के ट्रेंड का, वोकेशनल ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा एकेडमिक ट्रेनिंग की तरफ ही, एकेडमिक एजुकेशन की तरफ ही ध्यान देते आए थे, प्लस टू, BA, BCom, BSc, MCom। स्किल इंडिया ने PMKY योजना के तहत एक ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग या एक ऐसी वोकेशनल एजुकेशन देने की कोशिश की है जिसका आज भारत के हर नागरिक को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है या फिर बहुत ही ज़्यादा उसके लिए ये काम आने वाली है। दोस्तों कैसे? स्किल का मतलब है हुनर, कौशल, और कौशल का मतलब है कि आपका अपना टैलेंट, आपका ऐसा हुनर जो आपको रोजगार दे सकता है, जो आपको पहचान दे सकता है, जो आपको एक नई उड़ान दे सकता है, ये है स्किल। और स्किल इंडिया इकोसिस्टम आपके इसी स्किल को निखारता है, इस स्किल को उस बुलंदियों तक लेकर जाता है जहां पर आप जाना चाहते हैं। इसी की शुरुआत हुई थी 2014 में PMKY स्कीम से, उसके बाद बहुत सारे RFP, बहुत सारे टेंडर निकले हैं, लेकिन स्किल इंडिया मार्ट आपसे जुड़ा था मई 2020 में। सही तरह से, जी हाँ, मई 2020 में हम लोग आपसे जुड़े थे YouTube चैनल पर, और हमारी पहली YouTube चैनल की पहली वीडियो जो आई थी वो आई थी 9 जून 2020 को, जिसमें हमने बताया था कि स्किल इंडिया पर अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करें एज ट्रेनिंग प्रोवाइडर। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोवाइडर का मतलब है कि स्किल इंडिया का पहला स्टेप जिसमें कि आप एंट्री करते हैं किसी भी तरह के RFP को भरने के लिए, इसी के ऊपर ये बेस दी हमारी पहली वीडियो, जिसका लिंक आप नीचे देख पाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वीडियो को हमने कैसे बनाया था। उसके बाद हमारी यात्रा बढ़ती गई, आपके साथ जुड़ते गए, और आज इस साल का अंत हमने किया है हमारी आखिरी वीडियो से, जो कि आपके लिए PMKY गाइडलाइंस के बारे में थी। आज नए साल पर मैं कुछ आपको नई योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्किल इंडिया मार्ट में आने वाली है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने आपको किन तरह की वीडियो दी है और हमने आपसे क्या कमिटमेंट किया है कि हम आप कहां लेके जाएंगे। स्किल इंडिया इकोसिस्टम में जोड़ने के लिए हमारा हर कदम आपको आगे लेकर जाएगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस रहा है। दोस्तों DDU GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना सीरीज हमने शुरू की थी, जिसके अंदर हमने बताया था आपको कि आप कैसे DDU GKY में एंटर कर सकते हैं PRN जनरेट करने के बाद। PRN के बाद इनिशियल स्क्रीनिंग की वीडियो जल्द ही आपके सामने होगी, और उसके बाद क्वालिटी अप्रेजल और PSC तक हम आपको पहुंचाएंगे हर स्टेप के बारे में पूरी जानकारी देते हुए। NHDC ट्रेनिंग पार्टनर, जी हाँ, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है हमारी। NHDC ट्रेनिंग पार्टनर का मतलब है दोस्तों वो ट्रेनिंग पार्टनर जो पूरे भारत में सिर्फ 539 हैं आज की डेट में, और सबसे बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर है जो कि जुड़ता है सीधा NHDC से। काम मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो साथ ही जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं। NHDC ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बने, इस सीरीज के अंदर हमने अपना पहला पार्ट दिया था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका उसके लिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगला पार्ट भी आपके सामने जल्द ही होगा NHDC ट्रेनिंग पार्टनर के साथ साथ SSDMs यानी कि स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस जो होते हैं उनके बारे में जानकारी के लिए भी हमारी सीरीज आपके सामने जल्दी आने वाली है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे हर स्टेट के अपने SSDM की जानकारी कि उसका TP कैसे बने, उसमें क्या काम मिल सकता है और आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। साथ ही जो अपकमिंग सीरीज है वो है SSC की। आपको जैसा कि ज्ञात है 38 सेक्टर स्किल काउंसिल अर्थात हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल, एग्रीकल्चर, अपैरल, मीडिया जैसी जितनी भी सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं उन सब के साथ आप कैसे एम्पैनल हो सकते हैं एज ट्रेनिंग प्रोवाइडर। साथ ही RPL या उसके STT प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने STT सीरीज जल्दी ही आने वाली है। इसके अलावा भी हम जितने RFP नए लॉन्च होने वाले हैं, जैसे अभी लॉन्च हो रखा है तमिलनाडु के लिए RPL और STT का RFP, उसकी भी डिटेल आपके पास जल्दी आने वाली है। जितने भी स्टेट हैं दोस्तों, जितने भी राज्य हमारे देश में हैं, जितने भी उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले, जहां पर भी स्किल इंडिया की जो भी स्कीम लॉन्च होने वाली है हम आपको उस स्कीम तक पहुंचाएंगे, उस स्कीम को समझाएंगे कि उस स्कीम में क्या है, कैसे आप उस स्कीम में काम कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज स्किल इंडिया इकोसिस्टम वर्किंग पर्सन या फिर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। ये स्किल इंडिया मार्ट सिर्फ TP के लिए नहीं है दोस्तों, हर विद्यार्थी के लिए है,
वो विद्यार्थी जो सीखना चाहता है स्किल इंडिया के कोर्सेज के बारे में, स्किल इंडिया की ट्रेनिंग के बारे में। ये स्किल इंडिया मार्ट का प्लेटफॉर्म हर उस एम्प्लॉय के लिए है जो स्किल इंडिया इकोसिस्टम में काम करना चाहता है, एज ट्रेनर, एज असेसर या एज ट्रेनिंग पार्टनर। एम्प्लॉय के साथ साथ ये स्किल इंडिया मार्ट का प्लेटफॉर्म हर उस ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए है, ट्रेनिंग पार्टनर के लिए है जिसको जुड़ना है स्किल इंडिया इकोसिस्टम में, भलाई के लिए भी और साथ में अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए भी। दोस्तों, स्किल इंडिया एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी योजना है, एक ऐसा आधार है जो आपको बिजनेस पर्पज से ही नहीं देश की सेवा करने के लिए, देश के काम आने के लिए भी काम करने का मौका देता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, हर उस लेवल के बारे में आपको जानकारी देंगे हम स्किल इंडिया इकोसिस्टम में, जिस लेवल की आप कल्पना करते हैं, जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन दोस्तों इस जर्नी में, इस सफर में जो हमने किया वो आपके सामने है, जो हम करने वाले हैं वो अभी आपके सामने नहीं आया है। मैंने बताया जरूर है आपको, लेकिन ये उसका सिर्फ एक छोटा सा पहलू दिखाया है मैंने, अभी पूरी यात्रा बाकी है। दोस्तों इस लंबे सफर में हमें आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों से अपनी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हम जिस गांव से आए हैं, जिस जगह से आए हैं, वहां पर इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन हमने जाना है दोस्तों। भारत देश के हर उस व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाना हमारा दायित्व है और आपका भी दोस्तों, क्योंकि आप भी उस स्किल इंडिया इकोसिस्टम के कहीं ना कहीं पे हिस्सा हैं जिसके हम हैं। ये जानकारी हर उस विद्यार्थी के पास पहुंचनी चाहिए जिसको इसकी नीड है, हर उस एम्प्लॉय के पास पहुंचनी चाहिए जिसको उसकी नीड है, हर उस ट्रेनिंग पार्टनर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर या फिर हर उस डिपार्टमेंट के पास पहुंचनी चाहिए जो कुछ करना चाहता है स्किल इंडिया इकोसिस्टम में। मेरी आपसे हार्दिक निवेदन है, हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप हमें हमारे रिवार्ड के रूप में अपने कमेंट्स दें, अपने लाइक्स दें, अपना सब्सक्रिप्शन दें। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।